प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है जेनेटिक बेसिस एंड मैथड्स ऑफ ब्रीडिंग इन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स तो सबसे पहले जेनेटिक बेसिस की बात करें तो अगर प्लांट्स के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो उसकी हिट्रोजाइगोसिटी जनरेशन बाय जनरेशन इंक्रीज होती जाती है जबकि क्रॉस पॉलीनेशन होने से जो होमोजाइगोसिटी है वो जनरेशन बाय जनरेशन कम होती जाती है इस प्रकार क्रॉस पॉलीनेट क्रॉप्स हिटरोजाइगस होती हैं और सेल्फ पॉलीनेटेड क्रॉप्स होमोजाइगस होती हैं ब्रीडिंग मेथड्स की बात करें तो तीन तरह की ब्रीडिंग मेथड्स हमें देखने को मिलती हैं मास सिलेक्शन ईयर मेथड एंड रिकरेंट सिलेक्शन सबसे पहले मास सिलेक्शन की बात करें तो जब हम एक जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन से सुपीरियर एंड यूनिफॉर्म प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन सिलेक्टेड प्लांट्स के सीड्स को एक मास की तरह मिक्सअप कर लेते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं मास सिलेक्शन तो क्वेश्चन देखो किस तरह से आया हुआ है मास सिलेक्शन इज ओनली यूज्ड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप फॉल्स है सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में जो ब्रीडिंग मैथड हमने पढ़ी थी उसमें भी मास सिलेक्शन आया था अब क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर पढ़ रहे हैं तो इसमें भी मास सिलेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब मास सिलेक्शन सेल्फ एंड क्रॉस दोनों टाइप की क्रॉप के अंदर होता है तो इसमें आंसर आ जाएगा फॉल्स नेक्स्ट है ईयर टू रो मैथड ये मेथड जो थी वो हॉपकिंस के द्वारा 1908 में डेवलप की गई थी इस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है मेज़ क्रॉप के अंदर तो इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है उसके बाद डेफिनेशन की बात करें तो वेन सुपीरियर प्लांट्स आर सिलेक्टेड जब एक जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन से सुपीरियर प्लांट्स को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और उनके सीड्स को कलेक्ट करके सेपरेट रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर

नेक्स्ट सिलेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो ये जो मेथड है इसमें हम क्या करते हैं री सिलेक्शन जनरेशन आफ्टर जनरेशन हर पीढ़ी में या पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जनरेशन बाय जेनरेशन सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसको रिपीट करते हैं विद इंटरब्रीडिंग ऑफ सिलेक्ट जो भी प्लांट्स का जिनका हमने सिलेक्शन किया है उनमें इंटरब्रीडिंग करवाते हैं यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हम लोग करवाते हैं ताकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग प्रोवाइड कर सकें तो इस तरह से ये एक साइक्लिक सिलेक्शन है प्रोसीजर है तो इसमें हम लोग सिलेक्शन साइकिल्स को बार बार रिपीट करते हैं कम से कम दो बार और अधिकतम तीन चार पाँच बार हम लोग सिलेक्शन साइकिल को रिपीट कर सकते हैं ताकि जो डिजायरेबल एल्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी को इम्प्रूव किया जा सके ठीक है ना एक ब्रीडिंग पॉपुलेशन के अंदर किसी भी करैक्टर के लिए

प्लांट्स को प्लांट्स uh, के सीड्स को यूज किया जाता है इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिज ग्रो करवाने के लिए तो ये जो प्रोसेस है वो क्या आता है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर अब ये जी होता क्या है तो जी समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सीए क्या होता है यानी कि कंबाइनिंग एबिलिटी क्या होता है तो जब हम हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं या संकरण करवाते हैं तो उससे जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा ठीक है अगर वो सुपीरियर नेचर का है तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है कंबाइनिंग एबिलिटी या जो गुण है या प्रॉपर्टी है वो कहलाती है कंबाइनिंग एबिलिटी तो द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सुपीरियर हाइब्रिड्स एज रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो ये दो तरह की हो सकती है जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और जी एंड स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी और एस सबसे पहले जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी और जी इसमें हम क्या करते हैं एक ओपन पॉलिनेटेड वैराइटी के साथ क्रॉस करवाते हैं किसी भी प्लांट का जिसकी भी हमें जी सी ए निकालनी है उसका क्रॉस करवाते हैं एक ओपन एकट वैरायटी के साथ और उससे अगर सुपीरियर हाइब्रिड्स डेवलप होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं जी सी ए उसके बाद स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी या एस सी ए की बात करें तो इसमें हम लोग किसी भी प्लांट का क्रॉस करवाते हैं सुपीरियर इनब्रेड के साथ जिस प्लांट की हमें एस सी ए निकालनी होती है उसका क्रॉस सुपीरियर इनब्रेड के साथ करवाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एस सी ए और स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी ठीक है अब देखो, जिस तो जी और ए के लिए, लिए चीज आपको ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे देखो क्वेश्चन किस तरह से आए हुए हैं नेचर ऑफ टेस्टर यूज फॉर जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी इन रिकरेंट सिलेक्शन इज तो इसमें आंसर आ जाएगा कि जो जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी है उसमें हम ओपन पॉलीनेटेड वैरायटी यूज़ करते हैं और ओपन पॉलीटेड वैरायटीज हिट्रोजाइगस नेचर की होती हैं इसलिए इसमें आंसर आ जाएगा हिट्रोजाइगस तो सेकंड आंसर इसमें आ जाएगा उसके बाद जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी पे दो नंबर की डेफिनेशन पूछी हुई है तो ये डेफिनेशन बता देनी है जीसीए वही जनरल कंबाइनिंग एबिलिटी दो नंबर की डेफिनेशन बता देनी है एक्सप्लेन रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जीसीए जीसीए के लिए जो रिकरेंट सिलेक्शन है उसको आपको एक्सप्लेन कर देना है कि क्या है ये फोर नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है उसके बाद जर्नलाइज आउटलाइन की बात कर लेते हैं हम लोग तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर जो हमारी एक्टिविटीज रहती हैं हमें सिलेक्शन करना है मैनी सुपीरियर प्लांट्स का तो ये मेन पॉपुलेशन है इसमें से हमने मैनी सुपीरियर प्लांट्स का सिलेक्शन कर लिया और लॉ सेल्फिंग एंड क्रॉस विद टेस्टर एक तो ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं इनमें सेल्फिंग अलाउ कर देते हैं प्लस उन्हीं प्लांट्स के अंदर कुछ फ्लावर्स को लेके हम लोग क्रॉस करवाते हैं किसके साथ टेस्टर के साथ तो ये है हमारा टेस्टर अब कलेक्ट सीड्स एंड देम सेपरेट सेल्फिंग से जो सीड मिले हैं उनको सेपरेट रख लेते हैं क्रॉसिंग से जो सीड मिले हैं उनको सेपरेट रख लेते हैं ठीक है तो अब हमारे पास दो तरह के सीड्स हैं सेल्फ सीड एंड क्रॉस्ड सीड जो क्रॉस्ड सीड है उनका हम लोग सेकंड ईयर नेक्स्ट ईयर यानी कि सेकंड ईयर जो है उनका हम लोग करवाते हैं रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल तो रेप्लिकेटेड यील्ड ट्रायल करने पर हम लोग परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो इस परफॉर्मेंस जिसकी परफॉर्मेंस हाई आती है उसकी जी हाई होती है तो इसलिए हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं सुपीरियर प्रोजेनिस को विद हाई जी सी किस में आइडेंटिफाई करते हैं इस मेन पॉपुलेशन के अंदर ठीक है इस मेन पॉपुलेशन के अंदर जिन सिलेक्टेड प्लांट्स में हमने सेल्फिंग करवाई थी उन सेल्फिंग वाले प्लांट्स में से हमें ये पता चल जाता है कि कौन से प्लांट्स हाई जी

पीरियड है वो कहलाता है वन सिलेक्शन साइकिल तो थ्री इयर्स के अंदर वन सिलेक्शन साइकिल कंप्लीट हो रहा है अब फिर से हम लोग सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे यानी दूसरा सिलेक्शन साइकिल जो है वो फोर्थ ईयर से स्टार्ट होता है बिल्कुल सेम स्टेप्स इसमें रिपीट करेंगे हम लोग तो इसको बोलते हैं कंपोजिट पॉपुलेशन तो कंपोजिट पॉपुलेशंस में से ग्रो प्लांट्स फ्रॉम द मिक्स्ड सीड जो मिक्स सीड है उनके प्लांट्स को उससे प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं कंपोजिट पॉपुलेशन डेवलप हो जाती है और फर्स्ट ईयर की जो एक्टिविटीज़ उनको रिपीट कर लेते हैं इसके अंदर ठीक है और उसके बाद फिर जो क्रॉस सीड होते हैं उनसे फिफ्थ ईयर हम लोग रिपीट द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेकंड ईयर सेकंड ईयर की जो एक्टिविटीज़ हमको रिपीट कर लेते हैं तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं हाई जी वाले जो प्लांट्स हैं उनके सेल्फ सीड को लेके फिर सिक्स ईयर क्या करते हैं इंडिविजुअल प्लांट ऑर्जेनिक ग्रो करवाते हैं रिपीट द एक्टिविटीज़ ऑफ थर्ड ईयर थर्ड ईयर की एक्टिविटीज़ रिपीट हो जाती हैं फिर सेवन्थ ईयर हम लोग क्या करते हैं तो फॉर्मिनिशियलियल ईल ट्रायल्स एक वर्ष तक वन ईयर तक इनिशियल ईल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं अगर इस टेस्ट में ये पास आउट हो जाती है तो थ्री ईयर्स तक एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ ईयर तक लगातार तीन वर्षों तक परफॉर्म कोर्डिनेटर ईल ट्रायल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं अगर ये इस टेस्ट में पास आउट हो जाती है तो एलेवंथ ईयर इन सीड्स का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है और इन सीड्स को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फार्मर्स के अंदर तो ये है पूरे का पूरा प्रोसेस रिकरेंट सिलेक्शन फॉर जी सी ए

जो जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन है उसमें से प्लांट्स का सुपीरियर प्लांट्स का सिलेक्शन कर लेते हैं अब ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स हैं उनकी एस टेस्टिंग की जाती है तो जो प्लांट्स हाई एस प्रदर्शित करते हैं सिर्फ उनके सीड्स को लेके ही उनके सेल्फ सीड्स को लेके ही हम लोग क्या करते हैं इंडिविजुअल प्लांट प्रोजेनिज ग्रो करवाते हैं नेक्स्ट ईयर ठीक है तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है रिकरेंट सिलेक्शन फॉर एस कहलाता है ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था हल के द्वारा 1945 में इसको प्रपोज किया गया था इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखो किस तरह से कि वो क्या होता है एस के लिए इन ब्रेड होता है सुपीरियर इन ब्रेड तो इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड नेक्स्ट देखो विच इज यूज एज टेस्टर इन रिकरेंट सिलेक्शन फॉर स्पेसिफिक कंबाइनिंग एबिलिटी तो इनब्रेड

तो इसमें हम लोग क्या करते हैं दो प्लांट पॉपुलेशन जो है उनमें रिकरेंट सिलेक्शन करते हैं साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ ठीक है है दो प्लांट पॉपुलेशन मान लीजिए ए और बी तो दोनों में साथ साथ रिकरेंट सिलेक्शन किया जाता है तो दोनों के अंदर साथ साथ ही क्या हो जाता है इंप्रूवमेंट हो जाता है तो जब दो प्लांट पॉपुलेशन को हम लोग साथ साथ इंप्रूव करते हैं साथ साथ रिकरेंट सिलेक्शन से तो उसको रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन जो है वो कहा जाता है अगर हम ए पॉपुलेशन जो है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जो पॉपुलेशन बी है उसको टेस्टर की तरह यूज करेंगे और अगर हम पॉपुलेशन बी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जो पॉपुलेशन ए है उसको टेस्टर की तरह यूज करेंगे तो दोनों की दोनों प्लांट पॉपुलेशन ए एंड बी एक दूसरे के लिए टेस्टर की तरह यूज की जाती हैं रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन के अंदर अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है टू हिट्रोजाइगस टेस्टर्स आर यूज्ड इन टेस्टर्स यूज किए जाते हैं किसके अंदर यूज किए जाते हैं रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन के अंदर यूज किए जाते हैं तो ए और बी आपस में क्या है टेस्टर है तो इसलिए रेसिप्रोकल रिकरेंट सेकेंड आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर आ जाएगा नेक्स्ट एक्सप्लेन रेसिप्रोकल रिकरेंट चार नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है तो इसमें आपको डिस्क्राइब कर देना है अब जर्नलाइज आउटलाइन की बात कर लेते हैं तो फर्स्ट ईयर हम लोग क्या करेंगे पॉपुलेशन ए और पॉपुलेशन बी इन दोनों को ग्रो करवाएंगे अब सबसे पहले क्या करना है सिलेक्ट सुपीरियर प्लांट्स ऑफ ए के सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट कर लेंगे सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग विद टेस्टर बी और सिलेक्टेड प्लांट्स में सेल्फिंग भी होने देंगे और क्रॉसिंग भी होने देंगे विद टेस्टर बी के साथ ठीक है सेम प्रोसेस हम लोग पॉपुलेशन बी के लिए यूज़ करेंगे सुपीरियर प्लांट्स को सिलेक्ट करेंगे पॉपुलेशन बी में से और फिर सेल्फिंग होने देंगे सिलेक्टेड प्लांट्स में और फिर क्रॉसिंग होने देंगे टेस्टर ए के साथ ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग जो क्रॉसड सीड है हमारे पास उनकी सेकंड ईयर जो है उनको लेके हम लोग रेप्लीकेटेड यील्ड ट्रायल्स करेंगे और जो हाई जी सी प्रदर्शित करेंगे प्रोजैनिज उनको आइडेंटिफाई कर लिया जाता है पॉपुलेशन ए के अंदर कौन सी है और पॉपुलेशन बी के अंदर कौन सी है तो हाई जी सी वाली जो प्रोजेनिस होती हैं उनके सेल्फ सीड को लेके के उनके सेल्फ सीड को लेके थर्ड ईयर इंडिविजुअल प्लांट प्रोजैनिज ग्रो करवाई जाती हैं उसके बाद इन ऑल पॉसिबल कंबिनेशन के अंदर हम लोग क्रॉसेस करवाते हैं और इक्वल अमाउंट में सीड्स लेके जितने भी क्रॉसेज हुए हैं उन सभी से उनको मिक्स कर लेते हैं एज ए मास तो थर्ड ईयर तक का जो प्रोसेस है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर तक का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट सिलेक्शन साइकिल कहलाता है या एक सिलेक्शन साइकिल कहलाता है अब इसी तरह के कम से कम दो सिलेक्शन साइकिल हमें रिपीट करने पड़ेंगे तो फोर्थ ईयर से सेकंड जो सिलेक्शन साइकिल है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है ग्रो प्लांट्स फ्रॉम सीड मिक्सचर जो सीड मिक्सचर होती है उससे हम प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे तो कंपोजिट

दो सिलेक्शन साइकिल जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद फिर सेवन्थ ईयर हम लोग क्या करते हैं दोनों की दोनों जो पॉपुलेशन हैं उनमें इनिशियल हील ट्रायल्स परफॉर्म किए जाते हैं अगर दोनों पॉपुलेशन पास आउट हो जाती हैं तो तीन वर्षों तक थ्री इयर्स तक एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ थ्री इयर्स तक कंटिन्यूसली कोर्डिनेटल ईल ट्रायल्स परफॉर्म करते हैं ठीक है अगर ये इसमें पास आउट हो जाते हैं तो एलेवंथ ईयर दोनों ही पॉपुलेशन्स के अंदर तो सीड मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और फिर उनकी सीड्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाता है फार्मर्स में नई वेराइटी की फॉर्म में तो ये है रिकरंट रेसिप्रोकल रिकरेंट सिलेक्शन प्रोसेस